क्या शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को झटका देने की तैयारी कर ली है? क्योंकि आए दिन शिवपाल उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो बीजेपी नेताओं को भा रहे हैं। अब शिवपाल यादव ने समान आचार संहिता की वकालत की है, जिसे बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही भतीजे अखिलेश से नाराज चल रहे शिवपाल यादव के नए बयान ने सियासी ताप बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव के नए बयान ने बीजेपी से नजदीकियों वाली अटकलों को बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव ने देश में समान नागरिक संहिता की पैरवी की है, जो बीजेपी के सियासी एजेंडे में पूरी तरह से फिट है। आवाज उठाई थी तो आज हम लोग अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी। वास्तव में उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज़। समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए शिवपाल यादव राम मनोहर लोहिया का हवाला दिया तो उनकी पार्टी ने इसका समर्थन किया और कहा कि ये हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि देश में सबके लिए एक समान कानून बनाने का मुद्दा है। 1967 में इस मुल्क ही नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े समाजवादियों में अग्रगण्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। तब तो भाजपा थी भी नहीं, ये जनसंघ था लेकिन जनसंघ का ये मुद्दा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उद्धृत करते हुए अटल जी ने यह बयान दिया था कि जब देश में कॉमन क्रिमिनल कोड है तो कॉमन सिविल कोड में क्या दिक्कत है। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है। अभी हर धर्म का अपना अलग अलग कानून है और वो उसी के हिसाब से चलता है। हिंदुओं के लिए अपना अलग कानून है जिसमें शादी तलाक और संपत्तियों से जुड़ी बातें हैं। मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है और ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ। बीजेपी के तमाम नेता लगातार देश में समान नागरिक संहिता की मांग उठाते रहे हैं। यही वजह है कि शिवपाल यादव के इस बयान को बीजेपी से उनकी नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवपाल यादव भी अब वही बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अभी सब कहेंगे हमारी बात को, अच्छा हिंदुस्तान का। अखिलेश से नाराजगी के बीच बीते दिनों शिवपाल यादव ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। उधर शिवपाल यादव के हर कदम पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की भी नजर है। समान नागरिक संहिता वाले बयान के बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच शिवपाल यादव को लेकर ही बात हुई। साफ है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर शिवपाल यादव ने बीजेपी की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। चुनावी हार के बाद अखिलेश यादव की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।